उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीट पेपर लीक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों को आज उसका जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी जांच एजेंसियां सरकार के पास हैं, वो पीएस प्रीतम को बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर लेते। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार इस घोटाले के लिए असली मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रही है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइको, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं, इनको क्यों बचाना चाहते हैं, तो क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब।